तुम्हारे इनकार की कोई तो माकूल वजह होगी ना। वजह सिर्फ यही है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती और इतनी दूर तो जाना ही नहीं चाहती। इतनी बड़ी वजह तो नहीं है, कोई नहीं मानेगा। देखो सुंबल, कोई भी बात तुम मुझसे कर सकती हो, जो भी बात है तुम्हारे दिल में कह दो, तुम मुझे भरोसा कर सकती हो। ये लो दवाई खा लो। क्या हुआ, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? सिंदा हूं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे क्यों बोल रही हो? ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है भाभी। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या शर्मा शर्मी में तुमने बात को गौर से नहीं देखा? इतना गुड लुकिंग है, मैं तो समझ रही थी तुम बहुत खुश हो रही होगी। हर लड़की का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। इतना अच्छा लड़का, घर, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता सबको। मैं उन लड़कियों में से कभी भी नहीं रही जो बाहर के रिश्तों पे आहें भरे। हाँ मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, आप जिससे शादी करें, शादी के बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले, तब भी तो साथ ही जाना पड़ता ना। अगर शादी मनपसंद इंसान के साथ हो ना, तो इंसान जंगल में भी खुश रह सकता है। मनपसंद? सुंबल, मैंने ठीक सुना है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी को पसंद करती हूँ भाभी। तो ये बात घर में किसी को पता है? सिर्फ आपको बता रही हूँ। तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। मुझे लगा मेरी शादी में वक्त अभी मुनासिब वक्त देख के बता दूंगी, लेकिन ये एकदम से रिश्ता आ गया। है तो वाकई टेंशन वाली बात, और ये जो एकदम से शादी की तारीख फिक्स होने वाली बात हो गई है, अब क्या करोगे तुम? मुझे कुछ नहीं पता, यही सोच सोच के मेरा सर फट रहा है। अच्छा अच्छा, प्लीज तुम टेंशन नहीं लो। हाँ हम लोग कुछ सोचते हैं।